तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हो आप लोग। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी रिसेंटली में ही शाओमी वालों ने चाइना के अंदर रेडमी K20 प्रो और K20 को ऑफिशियली अनवील किया है। और भाई रूमर्स के हिसाब से यहाँ पे इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस फोन का इंडिया में नाम पोको F2 और F2 प्रो होने वाला है। और हाँ, वैसे इस वीडियो के अंदर इस फोन के बारे में तो हम सब बातें करने ही वाले हैं, साथ ही साथ इस फोन को कंपेयर करने वाले हैं अभी कुछ दिनों के अंदर इंडिया में लॉन्च होने वाले Asus Zenfone 6 और हाँ एक और फोन OnePlus 7 के साथ। और स्टार्ट करते हैं फिर बिना कोई बकवास के, जल्दी से इस वीडियो को कंपेयर करते हैं इन तीनों ही फोन को, पता लगाते हैं कि कौन सा फोन होगा आप लोगों के लिए बेस्ट। मैं और ऋषभ, और आप लोग देख रहे हो ऋषभ टेक। ओके, तो इस कंपैरिजन में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीजें बता देना चाहता हूँ इस कंपैरिजन के बारे में। तो सबसे पहले देखो, ये कोई इनडेप्थ कंपैरिजन नहीं है, बेसिकली एक इनिशियल कंपैरिजन है जो कि फोन्स के कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के ऊपर बेस्ड है। लेकिन आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं जिसके ऊपर हमने इन तीनों ही फोन्स को कंपेयर करना है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोन के डिस्प्ले से। और सबसे पहले अगर बातें करें यहाँ पे रेडमी K20 प्रो की, या फिर आप लोग पोको F2 प्रो भी कह लो, अब देखो मुझे नहीं पता कि इस फोन का इंडिया में नाम क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता देना चाहता हूँ इस फोन के साथ आपको एक 19.5:9 डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो वाली 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड स्क्रीन नजर आ जाएगी, जो कि यहाँ किसी भी नॉच या फिर कैमरा कटआउट के साथ नहीं आती। और साथ ही साथ इस फोन के साथ आपको 7th जनरेशन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब अगर बात करें Zenfone 6 के बारे में, तो भाई साहब ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आप लोगों को लगभग सेम चीजें देखने को मिल जाती है, लेकिन इस फोन के साथ आपको एक LCD पैनल देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो यहाँ पे आपको एक फिजिकल देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको लगा हुआ देखने को मिल जाएगा फोन के बैक साइड पे। खैर अगर बातें कर लेते हैं OnePlus 7 के बारे में, तो भाई साहब यहाँ पे आपको एक वाटर ड्रॉपलेट वाली नॉच देखने को मिल जाएगी। और हाँ, इस फोन का जो डिस्प्ले है वो काफी कुछ सिमिलर है पिछले साल लॉन्च हुए OnePlus 60 से, जहाँ पे आपको एक 6.4 इंचेस की OLED स्क्रीन नजर आ जाती है। और वैसे हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इन तीनों ही फोन्स की जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है वो है भाई साहब 1080 पिक्सल प्लस की। तो ये बात भी कंफर्म है कि डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे अगर आप लोग कोई सा भी फोन पिक करते हो, तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे आपके पैसे बर्बाद होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक चीज को कंसीडर कर सकते हो, और वो ये है कि OnePlus 7 को छोड़ के यहाँ पे इन दोनों ही फोन्स के साथ आपको एक फुली बेजलेस स्क्रीन नजर आ जाती है। तो अगर आपकी ये प्रायोरिटी है तो आप लोग इन दोनों ही फोन्स की तरफ जा सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं और अब बातें कर लेते हैं फोन्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे तीनों ही फोन्स में आप लोगों को ऑलमोस्ट मेटल इन ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ड्यूरेबिलिटी वाइज मेरे ख्याल से OnePlus 7 को एज देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई इस फोन के साथ आपको किसी भी टाइप का मोटराइज्ड कैमरा सेटअप देखने को नहीं मिलता, तो इस चीज को भी आप लोगों को कंसीडर करना चाहिए। वेल आगे बढ़ते हैं और अब बातें कर लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। और भाई साहब यहाँ पे सबसे पहले अगर बातें करें Redmi K20 Pro के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बैक साइड पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक 48 मेगापिक्सल का Sony IMX586 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। सेकेंडली यहाँ पे आप लोगों को एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे आपको एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिल जाता है, जिसे अगर हम सब कंपेयर करें बैक कैमरास ऑफ OnePlus 7 या फिर Asus Zenfone 6 से, तो Zenfone 6 के साथ तो चलो कम से कम आप लोगों को एक एक्स्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है। लेकिन भाई साहब अगर बातें करें OnePlus 7 की, तो यहाँ पे आपको मेन 48 मेगापिक्सल के कैमरा को छोड़ के आपको सिर्फ एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है कि Redmi K20 Pro का यहाँ पे कैमरा काफी ज्यादा वर्सेटाइल है। खैर अब जो भी है, लेकिन अब अगर बातें कर लेते हैं फोन के सेल्फी कैमरा के बारे में, तो सबसे पहले अगर बातें करें Zenfone 6 के बारे में, तो अगेन जो फोन का बैक कैमरा है वो यहाँ पे फ्लिप अप होके सेल्फी कैमरा का काम करता है। तो यहाँ पे इस बारे में मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। लेकिन अगर बातें करें Redmi K20 Pro के बारे में, तो भाई साहब यहाँ पे आपको एक 20 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन काफी ज्यादा कूल नजर आता है। और अगर बातें करें फाइनली OnePlus 7 की, तो भाई साहब यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा सेल्फी वाइज। अब देखो जहां तक बात आती है कि यहाँ पे कौन सा फोन का कैमरा कितना अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक मैंने इन तीनों ही फोन के कैमरास को टेस्ट नहीं किया है, तो फिलहाल के लिए मेरा ऐसा कुछ कहना मेरे समझ से ठीक नहीं रहेगा। तो आप लोग ऑनलाइन कंपैरिजन देख सकते हो, कैमरा कंपैरिजन देख सकते हो, उसके बाद शायद आपको एक बेटर आइडिया मिल सकता है कि यहाँ पे कौन से फोन का कैमरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं और अब अगर बातें कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। और भाई सच बताओ तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे तीनों के तीनों फोन ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे OnePlus 7 के साथ जो एक एडवांटेज होता है वो है UFS 3.0 वाली स्टोरेज, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस के अंदर आप लोगों को बता रखा है। पर फिर भी इसकी वजह से इस फोन की जो परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू बाकी फोन थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो जाती है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और अब अगर बातें कर लेते हैं बैटरी
के डिपार्टमेंट के बारे में, तो सबसे पहले Redmi K20 Pro के साथ आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, OnePlus 7 के साथ सबसे कम 3600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और रही बात अगर Zenfone 6 की, तो मेरे भाई ये फोन लीड करता है 5000 mAh की काफी बड़ी बैटरी के साथ। अब देखो जहां तक बात आती है फास्ट चार्जिंग वाइज, तो यहां पे सीन थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि भाई यहां पे Redmi K20 Pro के साथ आपको 27 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है और OnePlus 7 के साथ आपको 20 वाट का डैश चार्ज देखने को मिल जाता है। Zenfone 6 के साथ यहां पे आपको क्विक चार्ज 4 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो हां देखो ये सारी कुछ चीजें हैं जिन्हें आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। खैर अब जो भी है आगे बढ़ते हैं और अब अगर बातें कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज, तो यहां पे सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं OnePlus 7 के साथ आपको ऑक्सीजन ओएस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि अगेन काफी ज्यादा स्टॉकिश है। यहां पे Zenfone 6 के साथ यहां पे आपको Zen UI देखने को मिलता है, लेकिन ये भी भाई काइंड ऑफ स्टॉक एंड्रॉइड ही है। लेकिन अगर बात करें Redmi K20 Pro की, तो भाई साहब यहां पे आपको MIUI 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और वैसे ये चीज मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि हो सकता है किसी को कस्टम स्किन ज्यादा अच्छी लगती हो, किसी को स्टॉक एंड्रॉइड ज्यादा अच्छा लगता हो, तो ये चीज मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। तो हां भाई फिलहाल के लिए तो इस कंपैरिजन के लिए इतना ही, जहां पे मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारे पैरामीटर्स के ऊपर इन तीनों ही फोन्स को कंपेयर कर दिया। अब वैसे फिलहाल के लिए अब यहां पे आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या ओपिनियन है, यहां पे आपका पिक कौन सा होगा, सारी चीजें आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर इस वीडियो के थ्रू आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है, तो मेरे भाई जल्दी से एक लाइक छपका दो इस वीडियो पे, चैनल को कर दो सब्सक्राइब उस लाल वाले बटन को दबा के, और अगर आप लोगों ने अभी तक उस बेल आइकॉन को ऑन नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लो, क्योंकि उसके बगैर आपको ऐसी और काफी कमाल की वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगी। तो मेक श्योर आपका नोटिफिकेशन बेल ऑन होना चाहिए। और चलो फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए